हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिसेस बाय एंशिएंट। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है आज के डेट में। आजकल हमेशा एग्जाम में 20 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, बताइए इवैल्यूएशन ऑफ मेडिसिन जो कि प्रैक्टिस किया जा रहा है एंशिएंट टाइम में कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे धीरे धीरे हम लोग पुराने मेडिसिन सिस्टम से मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम तक आए हैं। तो देखिए दोस्तों, मेडिसिन जो हम लोगों की शुरू हुई थी, सबसे पहले मेडिसिन बिगिंस एज एन आर्ट, है ना। शुरू सबसे पहले कैसे हुई थी, आर्ट के रूप में, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इन्वॉल्व हुई किसमें, इन ए साइंस, यानी कि ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू ए साइंस ओवर द सेंचुरीज, यानी कि सेंचुरीज के बाद से धीरे धीरे ये आर्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, साइंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पहले के ज़माने में फिजिशियंस इंटरप्ट करते थे साइन एंड सिम्टम को और प्रेडिक्ट करते थे इलनेस के बारे में, क्या बीमारी है वो साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे प्रेडिक्ट करते थे, जो कि कहलाता था डायग्नोसिस। आज के भी डेट में हम लोग ये बनाते हैं, ठीक है। फिर उस डायग्नोसिस के बेसिस पे फिजिशियन इसको ट्रीटमेंट देते थे, फिर ट्रीटमेंट के बेसिस पे प्रोग्नोसिस प्रेडिक्ट करते थे। तो दोस्तों, मेडिसिन जो है आपका इवॉल्व हुआ कैसे, एक तरह से आर्ट के रूप में, लेकिन धीरे धीरे साइंस के रूप में ये कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पीरियड, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन को अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया गया है, आप इसको एज इट इज याद कर लेंगे। जैसे सबसे पहले जो मेडिसिन सिस्टम आई थी, प्री हिप्पोक्रेटिक, यानी कि प्रिमिटिव मेडिसिन, सबसे फर्स्ट मेडिसिन सिस्टम क्या सी आई थी, प्री हिप्पोक्रेटिक। फिर उसके बाद से हिप्पोक्रेटिक, ठीक है। फिर उसके बाद से थर्ड नंबर पर आई थी द अलेक्जेंडेरियन, ठीक है। उसके बाद से आई थी द गैलेनिक एंड पोस्ट गैलेनिक। फोर्थ नंबर पे क्या है, द गैलेनिक एंड पोस्ट गैलेनिक, ठीक है। फिर आई थी फिफ्थ नंबर पे द रिनेसेंस। सिक्स नंबर पे आई थी 18th सेंचुरी मेडिसिन ऑफ थ्योरीज एंड स्पेकुलेशंस, ठीक है। सिक्स नंबर पे आप नोट डाउन करेंगे इसको। और फिर फाइनली क्या आया, मॉडर्न पीरियड, यानी कि प्री हिप्पोक्रेटिस से लेके, यानी कि प्रिमिटिव मेडिसिन से लेके मॉडर्न पीरियड तक टोटल कितने पीरियड से होके गुजरना पड़ा, एक से लेके सेवन तक। तो हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन को डिवाइड किया हम लोगों ने टोटल कितने पीरियड में, सेवन पीरियड में, प्री हिप्पोक्रेटिक से लेके मॉडर्न पीरियड तक, ठीक है गाइस। टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन की टाइमलाइन हम देखते हैं। सबसे पहले 8000 बिफोर क्रिस्ट, यानी कि क्रिस्ट के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले 8000, ठीक है, प्री हिस्टोरिक मेडिसिन आया करती थी। उसके बाद से 2000 पहले बीसी, 2000 BC एंशियंट इजिप्टियन मेडिसिन आया था। फिर 400 BC, आपको एज इट इज याद करना होगा, 400 BC से लेके 300 AD एनो डोमिनी, मतलब इसके बाद से, यीशु के जन्म के बाद से, और कौन सी मेडिसिन सिस्टम आई थी, ग्रीक एंड रोमन्स आए थे। फिर उसके बाद से आ जाते हैं हम लोग 500 से लेके 1400 मिडिल एज बोला जाता है मेडिसिन का, ठीक है। फिर 700 से 1500 अरेबिक मेडिसिन बोली जाती है, 1400 टू 1700 रेनिसेंस बोला जाता है, और 1700 टू 1900 18th एंड 19th सेंचुरी की मेडिसिन बोली जाती थी। 1900 टू 2000 इसको 20th सेंचुरी की मेडिसिन, और 2000 से लेके 21000 जो कि चल रहा है जो अभी जो वक्त, उसको हम लोग 21st सेंचुरी की मेडिसिन मानते हैं। तो आपको एज इट इज याद करना होगा, याद हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप नोट्स चिपका देंगे, डेली देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इवैल्यूएशन ऑफ मेडिसिन, अब हम लोग चलते हैं कैसे हुआ, कैसे आयुर्वेदा आया, कैसे प्रिमिटिव मेडिसिन आई, है ना, कैसे सिद्धा आया, और तमाम चीज़ें कैसे आई, वो सब चीज़ें हम इस वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, मेडिसिन इन एंशियंट टाइम, ठीक है, सबसे एंशियंट टाइम की मेडिसिन, यानी सबसे पुरानी मेडिसिन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हेनरी सिग्रेट्स थी, इन्होंने बताया क्या कि मेडिकल हिस्टोरियन स्टार्टेड एवरी कल्चर, हर एक कल्चर में अपना अपना स्टार्ट किया गया था। जैसे अपने हिंदू कल्चर में आयुर्वेदा शुरू किया गया था, उसी तरह से हर एक कल्चर में अपना अपना स्टार्ट किया गया था मेडिकल हिस्ट्री का, जो बात हो रही थी,
उन्होंने डेवलप किया था एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो भी कल्चर था वो अपनी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन डेवलप किया गया था, जिसको बोला गया था हिस्ट्री ऑफ कल्चर। वो कल्चर से होकर एक बिलोंग करती थी मेडिसिन, तो हिस्ट्री ऑफ कल्चर। बेसिकली इसमें कहने का मतलब यही है कि जितने भी कल्चर थे वो अपना एक मेडिकल फील्ड चालू कर लिए थे, उसी के बेसिस पे वो लोग अपना ट्रीटमेंट करते थे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि प्रिमिटिव मेडिसिन सबसे पहले जो आई थी वो कैसे किया गया था। प्रिमिटिव मेडिसिन जो आइडियाज़ कम फ्रॉम आया था, एक आर्कियोलॉजिस्ट था, ठीक है, वहाँ से ये प्रिमिटिव मेडिसिन का जो है आइडियाज़ आया था। उन्होंने बताया क्या कि मेडिसिन जो है बर्न आउट ऑफ नेसेसिटी, यानी कि हमें मेडिसिन तक पहुँचने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत थी, एंड इन सिंपैथी एंड काइंडनेस। यानी मेडिसिन बर्न आउट हुई नेसेसिटी, दूसरी सिंपैथी एंड काइंडनेस को लेके, यानी कि हमें ज़रूरत पड़ी, हमें लोगों को सिंपैथी दिखाना था कि वो बीमार है, काइंडनेस दिखाना था, इसलिए हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, दे ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड रिलीफ ड्यूरिंग सफरिंग ऑफ इलनेस। सफरिंग ऑफ इलनेस के वक्त ये हमेशा जो है ट्राई करते थे कि भाई बंदे को क्या मिले, आराम मिले। कैसे, सिंपैथी और काइंडनेस के बेसिस पे। ठीक है, फिर आगे प्रिमिटिव टाइप में ही लिखा हुआ है कि शुरू में क्या हुआ कि आपको सुपर नेचुरल थ्योरी ऑफ डिजीज दी गई। ये प्रिमिटिव टाइप में ही क्या दिया गया, सुपर नेचुरल ऑफ थ्योरी ऑफ डिजीज। जैसे कि उन्होंने बताया क्या इसमें कि दे थिंक डिजीज ड्यू टू वर्थ ऑफ गॉड, यानी कि भगवान ने हमारे ऊपर गुस्सा किया है, यानी भगवान की देन है, ऐसा लोग पहले के ज़माने में मानते थे। या फिर इन्वेजन ऑफ बॉडी बाय इविल स्पिरिट्स, यानी कि हमारी बॉडी पे क्या हुआ है, भूत प्रेत यानी कि गंदे आत्माओं का निवास हो गया, इसलिए हम बीमार पड़े हैं। या फिर एंड मेलिवोलेंट इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार एंड प्लेनेट, यानी स्टार और प्लेनेट का क्या हुआ है, द्वेषपूर्ण इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, मेलिवोलेंट पड़ रहा है हमारे ऊपर। यानी कि वो लोग समझते थे कि ये जो हम लोग की हेल्थ खराब हुई है, ये भगवान हम ही को बर्बाद कर रहे हैं, हम भगवान की वजह से हो रहा है, वो भगवान के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, भगवान हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, इसलिए हम बीमार पड़ रहे हैं। या फिर हमारे ऊपर भूत प्रेत का साया आ गया है, इसलिए हम बीमार पड़े हुए हैं, या फिर स्टार और प्लेनेट का इन्फ्लुएंस है, ऐसा लोग मानते थे। सुपर नेचुरल थ्योरी ये माना जाता था पहले के ज़माने में लोग, कि बीमार हम क्यों पड़े। तो इसलिए इसी के सुपर नेचुरल थ्योरी के बेसिस पे ही ये लोग प्रैक्टिस शुरू किए कि अगर हम भगवान की वजह से बीमार पड़े हैं, भगवान हमारे ऊपर गुस्सा है, तो हम भगवान को मनाएंगे, अपीजिंग करेंगे गॉड्स बाय प्रेयर्स, हम पूजा करेंगे भगवान पर और भगवान को हम मनाएंगे कि हे भगवान मुझे माफ़ करो, ऐसा मत करो मेरे ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद से रिटूल्स एंड सेक्रीफाइस, यानी कि हम बलिदान देंगे, रिवाज को हम फॉलो करेंगे ताकि हम सही चलें। ठीक है, ड्राइविंग आउट इविल्स एंड स्पिरिट्स फ्रॉम विचक्राफ्ट, यानी कि मैंने लिख दिया यहाँ पे हिंदी में कि जादू टोना से हम लोग क्या करेंगे, जो इविल और स्पिरिट, जो बुरी आत्मा है, उसको हम हटा लेंगे, ड्राइविंग ऑफ कर लेंगे। यूजिंग ऑफ चार्म्स, यानी ताबीज वगैरह पहनना, झाड़ फूक करवाना, ये सब पहले के ज़माने में होता था। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि सुपर नेचुरल जो थ्योरी है वो आज के डेट में भी यूज होती है, और आपको ये बात अच्छे से पता है कि आज के भी डेट में लोग बीमार पड़ते हैं तो भगवान को दोष देते हैं, आज के भी डेट में लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो जादू टोना करवाते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं, और आज के भी डेट में चार्म्स यानी कि ताबीज का यूज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये 5000 या 500 BC के पहले ये सब यूज होता था, नहीं, ये आज के भी डेट में सबसे बड़ी बात है कि सुपर नेचुरल थ्योरी ऑफ डिजीज आज के भी डेट में कहीं कहीं पर यानी कि लोग यूज करते हैं। ठीक है, इतनी मेडिकल साइंस आगे होने के बावजूद भी आज भी चार्म्स, जादू टोना और इन सब चीज़ों पर लोग विश्वास कर रहे हैं। दे आल्सो यूज सर्टेन ड्रग्स, प्रिमिटिव में ही बता रहे हैं, दे आल्सो यूज सर्टेन ड्रग्स हर्ब्स यूज स्टोन फ्लिंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो पहले के ज़माने में कुछ ड्रग्स भी यूज करते थे, हर्ब्स स्टोन वगैरह यूज करते थे, तो ये मैंने बताया कि सुपर नेचुरल थ्योरी टुडे आल्सो यूज, आजकल जो है भी यूज हो रहा है। ठीक है,
तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ मेडिसिन के बारे में बताया गया था। दोस्तों हम अगले वीडियोज में इंडियन मेडिसिन, आयुर्वेदा और सिद्धा के बारे में बताएंगे। तो मेडिसिन इन एंशियंट टाइम में हम इवेल्युएशन ऑफ मेडिसिन देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मेडिसिन कैसे आई थी कि कल्चर के बेसिस पे आई थी, प्रिमिटिव मेडिसिन आई थी, सुपर नेचुरल थ्योरी के बेसिस पे आई थी। अब हम लोग देखेंगे इंडियन मेडिसिन में कि आयुर्वेदा कैसे आया था, आयुर्वेदा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी हिस्ट्री क्या होती है और मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है आयुर्वेदा में, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा, तो दोस्तों ज़रूर देखिएगा क्योंकि आजकल के डेट में 20 नंबर में लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अगले वीडियो में हम लोग इंडियन मेडिसिन, आयुर्वेदा और सिद्धा के बारे में देखेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा। इस ऑर्गेनॉन की मैक्सिमम वीडियोज आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, मेडरिया मेडिका में की नोट सिम्टम मिल जाएंगे, तो ज़रूर चैनल पर बने रहिए। थैंक यू गाइज़।